गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं सेट्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी कि पीछे हमने कुछ सेट्स की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत की थी, उसके बेसिक के बारे में बात किया था, सबसेट्स, सेट्स, लेंथ ऑफ सबसेट्स के बारे में और इसके इंटरवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम एक सेट्स के रिप्रेजेंटेशन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम। सेट्स को हम वेन डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे सेट को भी एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वेन डायग्राम की खोज किसने की थी? वेन डायग्राम हमारे पास जो वेन डायग्राम की जो आइडिया लेके आए थे वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन ने 1800 ईस्वी के दौरान इसको खोज की थी और इसी के नाम पे इसका नाम दिया गया था वेन डायग्राम, इसी के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया था। तो देखिए सेट्स के अंदर अलग अलग सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, बाकी जो हमारे सेट होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो सेट होता है उसको हम वेन डायग्राम के रूप में किस तरह दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम के रूप में एक रेक्टेंगल की टाइप में दिखाएंगे, एक रेक्टेंगल की टाइप में हम उसको दिखाते हैं, रेक्टेंगल की टाइप में इस तरह से। ये हमारा जो डायग्राम होता है इस तरह का, और ये डायग्राम है ये एक रेक्टेंगल की टाइप में है और इसको हम यूनिवर्सल सेट के रूप में अज्यूम करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम और इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। दिस इज द यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमारे पास सेट होते हैं, सेट चाहे वो कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, उसका अपना स्पेशल फिर डायग्राम बन जाता है, लेकिन सेट की एक स्पेशल जो होती है रिप्रेजेंटेशन वो सर्कल के रूप में होती है। सेट जैसे मैंने ए सेट लिया या कोई मैंने बी सेट लिया या कोई मैंने सी सेट लिया तो उसकी अपनी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सर्कल के रूप में रहेगी। उसके बाद में उसके ऊपर कोई अगर ऑपरेट होता है, कोई ऑपरेशन लगता है उसका, उसका अलग से फिर हमें वेन डायग्राम तैयार करना पड़ता है। तो जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है खुद की, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है या बी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक ए या बी के रूप में मानी गई है सेट की रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने सेट ए लेना हो तो सेट ए को हम इस तरह से सर्कल के रूप में लिखेंगे। अगर उसका कोई ऑपरेट है दूसरे सेट के साथ तो वो फिर उसका वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूसरा ऑपरेट बनाना चाहूं, यहाँ पर तो मैंने सेट ए दिखा दिया, सेट बी भी ऐसे दिखा सकता हूँ, सेट सी भी इसी तरह, मतलब कितने ही सेट हो अलग अलग उनके हम वेन डायग्राम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर उस के अलावा दो या दो से अधिक सेटों का आपस में ऑपरेट हो रहा हो, ऑपरेशन लग रहे हो उनके ऊपर, तो वहां पे अलग उनके वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स यहाँ पे सेट ए है उसके एलिमेंट सारे के सारे बी के अंदर हैं, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। तो इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना हो, इसका वेन डायग्राम हमें बनाना हो तो वो क्या होगा, देखिए इसका वेन डायग्राम हमें डिफाइन करना हो, बनाना हो तो कैसे बताएंगे, हमें ये एक ऑपरेट यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ ऑपरेट लगा हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों सेट्स में से कौन सा बड़ा हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पे ए सबसेट बी का, इट मीन्स यहाँ पे ए सबसेट बी का यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी बी यहाँ पे एक सुपर सेट का काम कर रहा है, ए का बी सेट बड़ा है यहाँ पे, ए सेट छोटा है यहाँ पे, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा है और छोटा सेट कौन सा, उसी हिसाब से तो इसका तो वेन डायग्राम बनेगा, वो इस हिसाब से बनेगा कि देखिए ये आपके पास सेट बी हो गया
और इसके अंदर हमें सेट ए लेना पड़ेगा। इसका मैट डायग्राम ये बनेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सेट है वो सारा का सारा बी सेट के अंदर है। इसको अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए सेट मैंने ले लिया ए बी और सी, बी सेट मैंने ले लिया यहाँ पे ए बी सी और डी। तो यहां देखिए कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए बी सी यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक एलिमेंट डी है वो एक्स्ट्रा हमें मिल गया। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखाना चाहूंगा तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमारे पास एबीसी है, एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसी यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ ए को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यहाँ बी को और यहाँ सी को। ये जो एबीसी तीनों एलिमेंट है ये ए के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं हमें और बी के अंदर तो है ही सारा। अब एक एलिमेंट डी है जो कि एलिमेंट डी ए में तो नहीं है लेकिन बी के अंदर हमें लग रहा है दिखाई, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी के रूप में। यहाँ जो बाहर का हिस्सा है इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस बाहर वाले हिस्से के अंदर वो एलिमेंट है डी जो कि ए सेट के अंदर नहीं है। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम होगा ए सबसेट ऑफ बी का, ए सबसेट ऑफ बी का होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए बी सबसेट ऑफ ए की, अगर बी सबसेट ऑफ ए की बात करें तो ये वेन डायग्राम हमारा यानी बी की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह पे बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका हम ऑपरेशन इस तरह से लिया जाए यूनिवर्सल सेट के अंदर इनको रिप्रेजेंट करना हो, ये तो ए सबसेट बी का था, अगर मैं बात करूं बी सबसेट ए की तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के एलिमेंट ए के अंदर है, तो यहां पे सुपर सेट कौन सा हुआ, ए हुआ। जो सुपर सेट होता है वो आपका बाहर बनेगा, तो यहाँ पे ए बाहर बन जाएगा, ये ए बन गया आपका और ये अंदर बनेगा बी, ये आपका बी बनेगा, ये ए बन जाएगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम आपका ये बन जाएगा, वेन डायग्राम, ठीक है। इसका वेन डायग्राम आपका ये बन जाएगा। अगर इन दोनों ऑपरेशंस को, ये ऑपरेशन यहाँ पे है, ये ऑपरेशन है यहाँ पे, इन दोनों ऑपरेशंस को मैं यूनिवर्सल सेट में दिखाना चाहूं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे सेट्स होते हैं और उन जो सेट्स का जो कंप्लीटली जो सेट बनता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के वो सबसेट होते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आपको सेट्स में या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ऑपरेट करना हो हमें इन दोनों को तो कैसे करेंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ दिखाना हो हमें तो कैसे दिखा सकते हैं हम, इस सारे को यूनिवर्सल सेट में दिखाना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका रेक्टेंगल बन गया और ये पूरा का पूरा जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए सेट बन गया, ये बाहर का बी सेट बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी आप दिखा सकते हो यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाना चाहो तो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसेट रखे हैं यहाँ पे ए और बी को, यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे ए और बी क्या है, एक सबसेट के रूप में है। तो ये वेन डायग्राम आपका हो गया ए सबसेट है बी का तो, और बी सबसेट हो ए का तो हो जाएगा ये वाला वेन डायग्राम। इसके बाद हम बात करें कि जैसे कि हमें ऑपरेट ये दिया गया हो, इफ सेट ए एंड बी आर हैविंग सम कॉमन एलिमेंट, ए और बी हमारे पास हैं और वो कुछ एलिमेंट कॉमन रखते हैं और उनको हमें यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो एक फॉर्म और है, एक फॉर्म और है, हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारा ये होता है, ये जो हमारा सेट है ये एक यूनिवर्सल सेट है और यहां पे हम ए सेट ले लेते हैं, ये ए सेट, और यहां पे हमारा ये बी सेट बन गया। तो जो बीच का ये हिस्सा बनेगा, ये हमारा हिस्सा, ये कुछ पार्ट कॉमन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ सेट ए और सेट बी में कुछ हिस्सा ही कॉमन है,
साइड ए और साइड बी में कुछ हिस्सा ही कॉमन है, तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर पूरा और पूरा साइड ए और बी में पूरा और पूरा साइड ए कॉमन हो तो आपका डायग्राम ये बनेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, यहां पे साइड ए आपके पास ए बी सी था, यहां पे साइड बी ए बी सी डी था, तो यहां देखिए पूरा का पूरा साइड ए बी सी सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं यहां पे। तो जब ये पूरा का पूरा साइड इस तरह से सब साइड बनता है तो डायग्राम ऐसे बनेगा आपका। लेकिन कुछ एक एलिमेंट ही कॉमन हो तो उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। जैसे मैं लिखना चाहूं सेंटर मेरे पास है 1 2 3 4 और सेट बी मेरे पास है 1 5 6 ये है, ठीक है। तो यहां सेट ए क्या हो गया 1 2 3 4, सेट बी हो गया 1 5 6। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कौन सा होना जो दोनों में होता है 1। कॉमन एलिमेंट का मतलब जो दोनों सेटों के अंदर है वो क्या है यहां पे 1 है। तो जब हम इन दोनों का वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आज हम वेन डायग्राम ही सीख रहे हैं तो पूरा डिटेल हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों सेट्स में कॉमन है वो 1 है, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है वो 1 है। तो यहां पे जो कॉमन एलिमेंट की जिक्र कर रहे हैं तो यहां पे जो ये आपका कॉमन हिस्सा है ये वाला, इस कॉमन हिस्से के अंदर हमें 1 एलिमेंट लेना होगा। बाकी का हमारे पास ये सेट ए है, इस सेट ए में हमने 1 तो कॉमन पार्ट में ले लिया, 2 3 4 बच गया, तो 2 यहां लिख सकते हैं, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 2 3 4 यहां होगा बचे हुए हिस्से में, इस बचे हुए हिस्से में 2 3 4 इधर वाले हिस्से में, ठीक है। इसके अलावा जैसे बी सेट की बात करें तो बी सेट में 1 था, ये तो कॉमन था, तो कॉमन तो यहां है दोनों में, जो कॉमन है यहां पे 5 4 6 है, 5 4 6 हमारे पास इस एरिया में रहेगा। तो ये होता है हमारा, यदि कोई दो सेट हो और उनमें कुछ हिस्सा कॉमन हो, हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ हिस्सा कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स कॉमन रखते हो, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए कि दो सेट हमारे पास है ए और बी और उनमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है तो वहां वेन डायग्राम क्या बनेगा। अगर कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो वेन डायग्राम क्या बनेगा। इफ सेट्स ए एंड बी हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, यानी डिसजॉइंट सेट्स, If there is given that disjoint set की अगर बात हो, disjoint set की बात आ जाए तो वहां पे हम Venn diagram कैसे बनाएंगे, disjoint set की बात आ जाए तो Venn diagram कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास universal set है, मान लीजिए ये set A हो गया, ये set B हो गया, इस तरह से इसका diagram बनता है। disjoint set का मतलब होता है there is no common element, disjoint set का मतलब होता है There is no common element. No common element. हमें कोई भी common element नहीं मिलता है तो वहां disjoint set होता है। उन दोनों में common element कुछ भी नहीं होता है उसको हम disjoint set बोलते हैं और वहां पे उसका Venn diagram इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहां पे, छोटी सी बात जो वैसे तो आगे लागू होगी लेकिन यहीं पे बताना चाहूंगा मैं वो बात, जब हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये जो कॉमन वर्ड होता है इसको हम सेट थ्योरी के अंदर एक इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन के रूप में, और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये होती है हमारे पास, जैसे सेट ए और सेट बी हमारे पास है, सेट ए और सेट बी है, तो इन दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट देखने हो तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा। ए सेट और बी सेट में कॉमन जो एलिमेंट है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है ये सिंबॉलिक फॉर्म हमारी इंटरसेक्शन की होती है, इंटरसेक्शन ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये इंटरसेक्शन की होती है हमारे पास सेट थ्योरी के अंदर। तो जैसे कि हम यहां बात करें सेट ए और सेट बी हमारे पास है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट पूछा जाए, सेट ए और बी में कॉमन, सेट ए और बी में कॉमन क्या था, 1 था केवल, तो हम लिखेंगे 1। सेट ए और सेट बी में कॉमन यानी इंटरसेक्शन, तो यहां पे जो एलिमेंट दोनों में दिखाई देता है, जो एलिमेंट दोनों में हो वो हमारा इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अब यहां पे जैसे डिसजॉइंट में बताया था, डिसजॉइंट का मतलब नो कॉमन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब यहां पे ए और बी का इंटरसेक्शन फिर क्या बनेगा, यहां पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, यहां पे 5 होगा,
ए और बी में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 5 बन जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम। ये डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है, ये कुछ एलिमेंट अगर कॉमन होते हो तो। इसके बाद में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में कुछ एक पार्ट ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंस में भी चले जाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट में चले जाते हैं। जैसे ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों का कॉमन हिस्सा है वो ये वाला है, कॉमन हिस्सा ये वाला है, इसलिए कॉमन एलिमेंट 1 था, या दोनों मैंने यहां लिख दिया। बाकी का जो हिस्सा ये वाला बच गया यहाँ पे, ये जो पार्ट है इधर जो मैं अभी एडिट कर रहा हूं, ये जो पार्ट बच गया हमारे पास, जो मैंने अभी एडिट किया है, इस पार्ट को हम जो बोलते हैं वो डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, इसको बोलते हैं हम ए माइनस बी, या इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बट नॉट बी, या ए ओनली, इसके कई नाम है, ए ओनली भी कह सकते हैं, ए बट नॉट बी भी कह सकते हैं इसको, बट नॉट बी, ए बट नॉट बी कह सकते हैं, ओनली ए भी कह सकते हैं इसको हम। अब जो हिस्सा यहां पे जो बच गया इधर वाला जो अनसेडेड दिखाई दे रहा है जहां पे 5, 4, 6 है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस ए, इसको कह सकते हैं ओनली बी या बी बट नॉट ए, बट नॉट ए ये भी कहा जा सकता है। तो इसके तीन नाम होंगे यहां पे, बी माइनस ए कह दो, ओनली बी कह दो, बी बट नॉट ए, यानी सेट बी बट नॉट ए, सेट बी के एलिमेंट हमें लेने हैं, उसमें ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कॉमन पार्ट हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट की बात आती है तो हम बता सकते हैं कि एक तो ए माइनस बी होता है और एक बी माइनस ए होता है, वो आपका डिफरेंस ऑफ सेट में चला जाता है। उसका वेन डायग्राम पूछा जाए तो यही उसका वेन डायग्राम बनेगा, इसमें रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं हम। ये आपका हो गया ए माइनस बी का, ये बी माइनस ए का, और ये जो बीच का कॉमन पार्ट है ये हिस्सा, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन पार्ट, सेट ए और सेट बी में कॉमन पार्ट, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1 है, तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी में। अब देखिए इसके बाद में हमें कुछ ऑपरेशन की बात और करते हैं। ये तो हमारे वेन डायग्राम थे, अगर हमारे पास 3 सेट आ जाते हैं तो उनको हम फिर किस तरह से वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक बार वेन डायग्राम दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर 3 सेट दे रखो, ए सेट, बी सेट और सी सेट, तो वहां पे वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम उसको बना सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास 3 सेट दिए हुए हों, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स, अगर हमें 3 सेट दे रखे हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास हो गया सेट ए, सेट बी और ये बना देते हैं सेट सी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट ए, सेट बी और ये हमारा हो जाएगा सेट सी। इस तरह से सेट ए, सेट बी और सेट सी,
पास तीन सेट दे रखे हो तो उनका बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट में दिखाना हो तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर हमारे पास सेट ए, सेट बी और सेट सी की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगर इसमें कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेट ए, सेट बी और सेट सी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा होता है, जो तीनों में कॉमन पार्ट होता है वो आपका ये पार्ट होता है। देखिए वेन डायग्राम की हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो जो तीनों सेट होते हैं ए बी सी इनमें कॉमन हिस्सा ये होता है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, इसको ये बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए, सेट बी और सेट सी में कॉमन पार्ट होता है। इसके बाद में हम बात करें सेट ए और सेट बी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, सेट ए और सेट बी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो ये जो पार्ट है ये तो तीनों में कॉमन है। देखिए ध्यान से देखिए सेट ए और सेट बी में जब डायग्राम बनाते हैं सेट ए और सेट बी का, तो ये हिस्सा कॉमन आता है सेट ए और सेट बी में। तो अगर हम अलग से देखना चाहे तो सेट ए और सेट बी में ये कॉमन हिस्सा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा ये वाला, ये तो तीनों में है ये भी आएगा और इसके अलावा ये ऊपर वाला ये हिस्सा क्या जाएगा, तो सेट ए और सेट बी में कॉमन आपका ये सारा हिस्सा बनेगा, ये इतना हिस्सा, ये सारा हिस्सा बनेगा सेट ए और सेट बी में कॉमन हिस्सा। तो इसको मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। अब मैं बात करता हूं ए और सी के बीच कॉमन, ए और सी के बीच कॉमन, तो देखिए ये वाला हिस्सा है ये तो सभी में कॉमन है। अब ए सेट आपका ये है और सी सेट आपका ये है, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये तो सभी में कॉमन है, ये तो तीनों में कॉमन है, ए में भी आएगा, ये बी में भी आएगा, सी में भी आएगा। अब सी का वो हिस्सा देखिए जो ए के अंदर आया हुआ है, क्योंकि हम ए और सी में कॉमन देखना चाह रहे हैं, ए और सी में कॉमन, सी हमारा इस तरह से बना हुआ है इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा है ये आपका, ये ए और सी का कॉमन होगा और ये भी बनेगा साथ में। तो यहां पे देखिए इसमें कॉमन है, मैं सेटिल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए ये हिस्सा कॉमन है ए और सी में, और ये तो कॉमन है ही क्योंकि ये तो तीनों में कॉमन है, तो ये भी आएगा, तो ये वाला जो आपका हिस्सा बन जाएगा वो बनेगा ए इंटरसेक्शन सी के अंदर। फिर हम बात करते हैं अगर हम बी और सी के कॉमन पॉइंट की बात करें, बी और सी के कॉमन पॉइंट की, तो बी सेट आपका ये है, देखिए बी की बाउंड्री लाइन और सी की बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को खींचे उसके बाद आप समझे दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे अच्छी तरह से। तो बी सेट आपका ये है देखिए और सी सेट आपका ये है, तो इन दोनों में कॉमन हिस्से की बात करें बी और सी में, तो बाउंड्री लाइन को खींचने के बाद में देखिए यहाँ पे बी और सी में कॉमन आपका इतना हिस्सा बनेगा, यहां से देखिए यहां तक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ये बी और सी में कॉमन बना हुआ है, और इसको मैं सेटिल कर देता हूं, और ये जो हिस्सा है ये तीनों में कॉमन है तो ये भी रहेगा इसमें शामिल, तो आपके पास यहाँ पे ये जो पार्ट बनेगा इसको हम बी इंटरसेक्शन सी बोल देंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इंटरसेक्शन की, यानी कॉमन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारे पास अलग अलग होंगे, इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं तीनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इतना हिस्सा होता है ये आपका ए और बी का कॉमन होता है, जैसा कि यहाँ पे ये बताया गया था आपको ए और बी का कॉमन, ये हिस्सा होता है ये ए और सी का कॉमन, ये हिस्सा होता है इतना इतना ये बी और सी का कॉमन होता है। इसके बाद में जो इधर वाला जो ये अनसेटेड एरिया है ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ए ओनली, इसको हम बोलते हैं इस हिस्से को ए ओनली। इधर ये हिस्सा बच गया जो यहाँ पे कुछ भी सेटेड नहीं कर रखा है, इस हिस्से को बोलते थे कि सी सेट है तो सी ओनली लिखेंगे इसको, और इधर वाला जो ये हिस्सा है ये बच गया आपके पास जो अनसेटेड है इसको बोलते हैं ये बी सेट का है तो बी ओनली लिखेंगे इसको, जिस भी सेट का नाम हो उसके ऊपर तो वो उसी का ओनली लिखा जाता है, बी ओनली इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ वो एलिमेंट होंगे जो केवल बी के होते हैं, ना तो ए के हो ना यहाँ पे सी के हो, यहाँ पर केवल वो एलिमेंट आएंगे जो केवल बी सेट के हैं, इसमें इस हिस्से में ना तो ए का कोई भी पार्ट है ना कोई बी का पार्ट है,
ऐसे ही यहाँ पे ये वाला है, इसमें ना कोई बी का है ना कोई ए का है, इसमें यहाँ पे है इसमें ना कोई बी का एलिमेंट होगा और ना कोई सी का एलिमेंट होगा, तो इसको बोलते हैं ए ओनली, इसको बोलेंगे बी ओनली, इसको बोलते हैं हम सी ओनली। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम्स थे, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आते हैं उनके बारे में। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स वेन डायग्राम बताया, वेन डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, अगर कोई अकेला सेट होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, अकेला सेट होता है तो उसको एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, अकेला अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगे हुए हैं, ए सबसेट बी का ऑपरेशन हो तो बी सबसेट ए का ऑपरेशन हो तो हम अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, जैसे यहाँ बनाए थे। इसके बाद में अगर दो सेटों में कुछ सब कॉमन हो तो हम इस तरह डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ सेट की भी बात बताई गई थी, ये वाला ऐसा जो सेट डिलीट कर रखा है ये आपका ए माइनस बी होता है, इसको ए ओनली और ए बट नॉट बी भी बोल सकते हैं, और आपका जो ये बीच का हिस्सा है ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जैसे हमारा साइड ये ए है ये साइड बी है, तो इन दोनों में ये हिस्सा जो बनता है इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन हिस्सा, बाकी इधर वाला जो अनसर्टेन बच गया तो इसको बोलेंगे बी माइनस ए, यानी वो एलिमेंट जो सेट बी में है लेकिन वहां ए का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये आपका होता है बी माइनस ए के बारे में। फिर आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे भी वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं जहां पे ए और बी के डिसजॉइंट सेट की बात हो, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, नो कॉमन एलिमेंट, यानी वहां ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है फाई के बराबर होता है, तो वो इस तरह बनेंगे, वहां पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों के दोनों सेट अलग अलग होंगे, कोई भी वहां पे आपस में टच नहीं करेंगे, अगर टच कर गए तो वहां पे कॉमन बन गया, अगर ये दोनों सेट आपस में टच कर गए तो कॉमन बन गया, फिलहाल तो इनमें कॉमन फाई है तो ये टच करके नहीं जाएंगे और ना ही आपस में काट के जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद में बात करते हैं अगर हमारे पास तीन सेट हो तो उनका वेन डायग्राम किस तरह बनाते हैं, ये अभी बताया आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।